अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 7th क्लास की टीचर मिस फातिमा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 22। लेक्चर नंबर 22 में आज हमने पढ़ना है सबक नंबर 7। सबक नंबर 7 हमारा है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हमारे 5वें खलीफा थे, खुलफाए राशिदीन में से थे। उनका ताल्लुक बनू उमैया में से था। आप जो थे एक आम शहजादों जैसे एक शहजादे थे। आपने खलीफा बनने के बाद अपनी जिंदगी जो है उनकी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई थी। आप किसी पर कभी जुल्म नहीं करते थे, हर एक के साथ अच्छा सलूक करते थे। आज हमने पढ़ने कल हमने इसके पढ़े थे अल्फाज मायनी और अल्फाज जुमले। आज हम इसके पढ़ेंगे सवालों के जवाब। सवालों के जवाब में सवाल नंबर 1 है हमारा, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को 5वां खलीफाए खुलफाए राशिद क्यों कहा जाता है? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का ताल्लुक बनू उमैया से था। शुरू जिंदगी में आप आम शहजादों जैसे एक शहजादे थे। खलीफा बनने के बाद आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई थी, इसलिए आपको 5वां खलीफा राशिदीन कहा गया, यानी खुलफाए राशिदीन कहा गया। जो खलीफा बनने थे उनमें से एक आप थे। सवाल नंबर 2 है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का अब्दुल मलिक से क्या ताल्लुक था या क्या रिश्ता था? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अब्दुल मलिक के दामाद थे, यानी वो जो अब्दुल मलिक थे वो उनके सुसर थे, या आप उनके दामाद थे। सवाल नंबर 3 है, हजाज बिन यूसुफ ने खुलफाए वक्त से आपके शिकायत क्यों की? हजाज बिन यूसुफ ने आपकी शिकायत खलीफा से क्यों की? इसके जुल्म से तंग आकर लोग आग छोड़कर हजाज में आने लगे, यानी वो इलाका छोड़कर या वो हलका छोड़कर हजाज में आने लगे। वहाँ एक जगह का नाम है शहर का। तो उसने खलीफाए वक्त से शिकायत की कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की शिकायत हजाज बिन यूसुफ ने की और आपसे ये ओहदा गवर्नर वापस ले लिया गया। यानी लोग लोग जो थे आपके जुल्म से तंग आ गए थे, वो आप की शिकायत लगाते थे हजाज बिन यूसुफ से, इसलिए आपसे ये ओहदा वापस ले लिया गया था। लोग वहाँ का इलाका छोड़ छोड़ कर दूसरे इलाके में जाना शुरू हो गए थे। सवाल है हमारा, खलीफा बनने के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने लोगों से क्या कहा? आपने फरमाया, मेरे लिए मेरे चचा काफी हैं। बेहतरीन घोड़े जो मेरी सवारी के लिए रखे गए हैं उनको बैतुल माल में जमा करवा दो। यानी आपने जो है वो तमाम चीजें जो आपकी सहूलत के लिए दी गई थी उन्हें बैतुल माल में जमा करवा दिया, जो हुकूमत की तरफ होता है और उसके अंदर तमाम चीजें जो है वो रखी जाती हैं। आपने कहा मेरे लिए सिर्फ मेरे चचा ही काफी है, वो ही उनके साथ मेरी जो है वो अच्छी गुजर बसर हो सकती है। सवाल है हमारा, खलीफा बनने के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया? खलीफा बनने के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सबसे पहले कदम ये उठाया के लोगों को अपनी बैत से आजाद कर दिया। सवाल है हमारा, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रात की तन्हाइयों में क्या करते थे? आप रात की तन्हाइयों में फूट फूट कर रोते थे और अल्लाह ताला से रहनुमाई की तलब फरमाते थे। आप अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि मुझे सीधा रास्ता दिखा और मुझे लोगों के साथ अच्छा सलूक करने की तलकीन अता फरमा। ये था स्टूडेंट हमारे आज के सवालों के जवाब। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है और इसका क्विज सॉल्व करना है। आपने इसका क्विज जरूर सॉल्व करना है। अगर आपको हमारे इस लेक्चर में से कोई बात समझ में नहीं आई है तो स्टूडेंट आप उसके बारे में सवाल कर सकते हैं, आपको सवाल का जवाब फौरी दिया जाएगा। अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे सबक नंबर 8,
इल्म का हसूल, उसके अल्फाज मायनी और अल्फाज जुमले। आपने इल्म के हसूल की रीडिंग करनी है ताकि हम उसके बारे में डिस्कस कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।